साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 105वां संविधान संशोधन और 127वां संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 105वां संविधान संशोधन है और 127वां संविधान संशोधन विधेयक कैसे हुआ। यह इसका मतलब यह हुआ कि 127 बार बिल को विधेयक को पेश किया गया है, लेकिन जो सफलतापूर्वक अभी तक जो संविधान संशोधन हो पाई है वो 105वां ही तक पहुंची है। तो आइए आज हम बात करते हैं संविधान संशोधन 105वां संविधान संशोधन 2021 के बारे में। इस संविधान संशोधन को समझने से पहले हमको 102वां संविधान संशोधन 2018 को समझना होगा, क्योंकि यह एक दूसरे का बिल्कुल सहअस्तित्व है और 102वां अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो 105वां भी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो हमको पहले 102वां संविधान संशोधन को समझना होगा। तो 102वां संविधान संशोधन 2018 में, इस संशोधन में यह कहा गया था कि अगर किसी भी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में अगर कोई भी ओबीसी कम्युनिटी के व्यक्ति हों और वह सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से अगर वह पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करता है तो इसका निर्धारण राष्ट्रपति एनसीबीसी के परामर्श पर उसको ओबीसी घोषित कर सकता है, यानी पिछड़ा वर्ग उसको घोषित कर सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास यह अधिकार दिया गया था, लेकिन अभी जो रिसेंटली जो भी घटनाएं हुई महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इस संशोधन को चुनौती दिया गया। तो 105वां संविधान संशोधन अब यह रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से अगर पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करता है तो उसको राष्ट्रपति एनसीबीसी के सहयोग परामर्श से और राज्य भी अब उसको शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को अब वह ओबीसी घोषित कर सकता है, यानी अब यह अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को हो गई। केंद्र सरकार और जो केंद्र शासित प्रदेश है, जहां तक राज्य की मैटर हो तो राज्य में आप राज्यपाल के विचार परामर्श से और राष्ट्रपति एनसीबीसी का के परामर्श से ओबीसी इसको घोषित कर सकता है। अब आइए जानते हैं कि एनसीबीसी का गठन कब हुआ था। तो 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा एनसीबीसी का गठन हुआ था, यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। और यही प्रमाणित करता है कि कौन से वर्ग के समुदाय ओबीसी के हैं, पिछड़ा वर्ग के हैं और किसको इसका लाभ मिलना चाहिए। तो 105वां संविधान संशोधन को अगर आप एक शब्दों में कहना चाहेंगे तो यह है कि अब जो भी पिछड़े वर्ग के लोग वही कहे जाएंगे जो सामाजिक और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ा वर्ग का है, तो अब कोई भी राज्य इसका निर्धारण कर सकता है या फिर केंद्र शासित प्रदेश भी अब इसका निर्धारण कर सकता है और राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार भी इसका निर्धारण कर सकता है। साथियों, आशा करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।